हाय एवरीवन, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की सैंडविच। कई लोग बोलते हैं कि फास्ट में साबूदाना में क्या क्या बना सकते हैं, साबूदाना खिचड़ी बना सकते हैं, साबूदाना बड़े बना सकते हैं। पर साबूदाना बड़े हैं और उनको डीप फ्राई करके ही वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना सैंडविच। इसमें बहुत कम ऑयल का यूज़ होता है, ना के बराबर ऑयल लगता है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में और हेल्दी भी रहती है। देखिए कैसे बनाती हूँ साबूदाना की सैंडविच। बनाने के लिए हमने साबूदाना लिया हुआ है। सबसे पहले आपको साबूदाना लेकर उसको कम से कम 5 से 6 बार आपको अच्छे से वॉश करना है, जब तक उसमें जो व्हाइट व्हाइट पानी होता है ना निकलता है, तो पूरा पानी एकदम क्लियर ना हो जाए तब तक आपको उसे वॉश करना है अच्छी तरह से। घिस घिस के उसको अच्छे से ऐसे प्रेस करके ऐसे घिस के उसको अच्छे से वॉश करना है। एकदम पानी क्लियर दिखे तभी आपको जितना साबूदाना है, जैसे आपका एक कटोरी साबूदाना है तो एक ही कटोरी आप उसे पानी डाल के उसको 4 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। तो हमने ऑलरेडी इसको 4 घंटे भिगो के रखा है। तो हमने करीब 150 ग्राम का साबूदाना लिया है और 2 आलू लिए हैं और थोड़ा सा हमने मूंगफली ली है, मतलब सिंग दाना मूंगफली को लेकर हमने उसको पीस लिया है। तो सबसे पहले ये साबूदाना है, इसमें हम 2 आलू है उसको, ये बॉइल आलू लिए हुए हमने, इसको हम अच्छे से इसमें मैश करके डाल देंगे। ये हम फास्ट के लिए बना रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल वे बनाना है तो आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं। मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ इसलिए फास्ट के ही मसाले हम यूज करेंगे। अब इसमें जो सिंगदाना है जो हमने पीस के रखा है वो भी हम डाल देंगे। हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट है, अगर आप खाते हैं फास्ट में तो उसका यूज कीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, वो डाल देंगे हम। लिटिल सॉल्ट, ये जो आप सेंधा नमक यूज करते हैं खाने में वो आप डाल दीजिए। लिटिल लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, अगर आपका ड्राई मैंगो पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ड्राई मैंगो पाउडर डाला है इसलिए हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी 1 स्पून करीब शुगर, इनको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आप फास्ट में जीरा खाते हैं तो आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। कई लोग जीरा नहीं खाते तो मैंने जीरा नहीं डाला है, अगर आप खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब इस तरीके का हम सैंडविच मेकर लेंगे एक, ये मेरा नॉन स्टिक है। अब इसके चारों तरफ हम अच्छे से घी लगा देंगे जिससे कि ये हमारा चिपके ना साबूदाना। इस तरीके से इसके चारों तरफ हम घी लगाएंगे। अगर आप ऑयल खाते हैं तो ऑयल भी लगा सकते हैं, बटर खाते हैं इसमें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं आप। इसके चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अभी ये साबूदाना है इसको हम ऐसे एक टिक्की सी बनाएंगे और इसको हम चारों तरफ फैला देंगे। सैंडविच मेकर में चारों तरफ कर देंगे हम।
अब ये एक परत हमने इस टाइप से भर दी है। अब इसमें हम आप कैप्सिकम का अगर राउंड काट के तो राउंड करके कैप्सिकम आप डाल सकते हैं इसके ऊपर, राउंड कट करके, और पीसेज में डालना है तो इस तरीके से आप पीस करके भी, छोटे छोटे पीस करके भी इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। अगर आप फास्ट में खाते हैं कैप्सिकम, टमाटर और कॉर्न, तो ये मैंने कैप्सिकम डाला है, थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं, इसके ऊपर अभी एक लेयर और हम रखेंगे पतली सी टिक्की सी बना के। इसको हम जो टमाटर और कैप्सिकम है उसको हम कवर कर देंगे अच्छे से चारों तरफ से। इस तरीके से ये हमने चारों तरफ से कवर कर दी है। अब इसको हम बंद कर देंगे और गैस को ऑन किया, और गैस के ऊपर अभी इसको हम स्टैंड को हम पलट देंगे एक बार। इसी तरीके से पलट के हम दोनों साइड्स को सेकने देंगे। अभी हम चेक करते हैं, वाओ कितनी अच्छी हमारी सैंडविच बन गई है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरीके से हम दूसरी ओर बना लेंगे। अब इसमें फिर से हम घी लगाएंगे चारों तरफ। इसी तरीके से हम सारे सैंडविच बना लेंगे। साबूदाना का पतला सा स्लाइस डालेंगे हम टिक्की सी बना के। इस तरीके से हम डाल देंगे चारों तरफ। थोड़ा केयरफुली डालना है क्योंकि अपना सैंडविच मेकर गर्म है। इसमें डालेंगे थोड़े से कैप्सिकम, आपको अगर मकई के कॉर्न डालना तो मकई कॉर्न भी डाल सकते हैं अगर आप फास्ट में खाते हैं तो। थोड़े से टमेटो, टमेटो और कैप्सिकम की स्लाइस भी डाल सकते हैं आप इसमें करके। अब इसके ऊपर से एक लेयर और हम साबूदाना की रख देंगे। इसको कवर कर देंगे हम अच्छे से। और इसको कवर करके हम बंद कर देंगे। बंद करके फिर से हम इसे गैस पे सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। अभी हम चेक करते हैं, वाओ ये सैंडविच भी हमारी बहुत अच्छे से बन गई है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। ये रेडी हो गई हमारी साबूदाना की सैंडविच। इसे आप मूंगफली की चटनी के साथ या कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और विदाउट ऑयल होता है। इसे ऑयल का बिल्कुल भी नहीं होता इसमें, और इसको डीप फ्राई भी नहीं करते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत इजी रेसिपी है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। जो लोग को फ्राई पसंद नहीं है वो लोग जरूर ट्राई कीजिए इसको सैंडविच बनाने के लिए साबूदाना का। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।